हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीजीएल 2017 का 17 सॉरी सीजीएल 2020 का 17 अगस्त 2021 की शिफ्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, कई बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि आप हिंदी में भी बताइए, तो मैं क्वेश्चन का कैसे करता हूँ, जैसे स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी होती है तो इंग्लिश वाले तो वैसे ही पढ़ लेते हैं, अब मैं इसको फिर बाद में हिंदी में बताता हूँ। तो आप क्या करो, जैसे मैंने भी तो पेपर डाउनलोड ही किया, मैंने कोशिश की थी हिंदी इंग्लिश को एक साथ करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसके लिए बिल्कुल ये टाइप करना पड़ेगा सब कुछ, और इतना टाइम मतलब नहीं मिल पाता कि सब कुछ टाइप करें, और फिर क्योंकि उसके लिए मैं टाइम एंड वगैरह स्टार्ट कर रखा है तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है टाइप वगैरह में। तो क्या करना, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, जैसे ये है टेस्ट बुक से, या फिर आप क्यू मैथ से जाके कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसको सोल्व करो और देखो कि आपका कौन सा क्वेश्चन आपसे मतलब नहीं निकल रहा है या फिर टाइम टेकिंग है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। या फिर आप किसी दूसरे फोन में हिंदी में पीडीएफ खोल लो और यहाँ पे आके आप उस क्वेश्चन को चेक कर लो। नेक्स्ट है, तो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। ये कह रहा है भाई, पाई चार्ट दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल स्टूडेंट 800 है, यानी हमें एक पाई चार्ट दे रखा है भाई, टोटल स्टूडेंट आपके, और ये परसेंटेज यानी प्रतिशत के भाग में डिवाइड कर रखा है भाई, एचआर में 8%, आईटी में 15 है, टोटल 800 है। देखो ये टोटल आपका 100% है, यानी प्रतिशत में बात करूं तो 100% की वैल्यू 800 है, एक की आ गई 8। अपने को बताना है कि भाई मार्केटिंग में कितने काम करते हैं, तो आप कहेंगे 22% काम करते हैं, तो 22 की वैल्यू आ जाएगी 176। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, यानी कि आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दे रखे हैं। अब जब इसको एक्स प्रतिशत डिस्काउंट पे बेचा गया तो लाभ आपका 5x/3% है, यानी जब इसको डिस्काउंट एक्स परसेंट पे बेचते हैं तो प्रॉफिट 5x/3 है। तो एक्स का मान बताना है, देखो सीपी रेशो एमपी, यानी आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इनका जो रेशो होता है वो होता है 100 - छूट यानी डिस्काउंट, और 100+ प्रॉफिट यानी लाभ, या फिर 100 - लॉस यानी हानि। अब इस फॉर्मूले में रख दो, यानी मैं इनकी रेशो की बात करूंगा तो देखो 100 - डिस्काउंट आपका एक्स प्रतिशत है, अपॉन 100+ प्रॉफिट आपका 5x/3 है, इज इक्वल टू ये दे रखा है मुझे, ये 720 और 900 दे रखा है, तो 18 चौक 72, 18 5 90, यानी 4/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 500 - 5x इज इक्वल टू 400+20x/3, ये इस साइड आ गया, 100 इज इक्वल टू ये उस साइड चला गया, देखो 5x आएगा, 5 * 3 = 15 और 20, 35x/3 यानी x आ गया 300/35, 5 पे काटेंगे तो 60/7, 56 और 4/7, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये बार ग्राफ दे रखा है आपको, बार ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है, डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल 5 डिफरेंट कंपनी, यानी ये कंपनी है, जो ब्लू कलर की टिक दिख रही है वो आपकी डिमांड है, और जो रेड कलर की है वो आपकी सप्लाई है। अब ये कह रहा है रेशो टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कंपनी ए बी सी डी का टोटल डिमांड, यानी मैं टोटल ब्लू कलर वालियों को जोड़ के रेशो टोटल आपकी जो ये कलर वाली है जो ऑरेंज कलर है उनको जोड़ दूंगा, नहीं रेशो, देखो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ पे रेशो की बात की है और यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है, तो यानी यहाँ पे आपका परसेंटेज आना चाहिए था भाई, परसेंटेज बताना है उसका, उससे कितना ज्यादा है कितना कम है, या फिर वो इसका कितना प्रतिशत है, तो यानी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी रेशो कभी प्रतिशत में नहीं होता। नेक्स्ट है, या तो परसेंटेज की बात करें वो, देखो इसको सिंपलीफाई करना आपको तो कर दो, ये कह रहा है 7/16 भाग में, तो उल्टा ले जाओ ये आ गया, इंटू 4/5 माइनस, देखो मैं कहूँ 5/24 आ गया, गुणा 2 आ गया, जमा 3/4, अब इसको सोल्व कर लो, ये गया 4 * 8 * 16 यानी 7/2 - 5/12 - 3/4, एलसीएम 12 आ गया, 2 * 6 = 12 और 7 * 8 = 56 सॉरी 7 * 6 = 42 - 5 + 9 42 और 9 आपके 51, 51 में से 5 गए, 40/12, 2 पे काटेंगे 23/6। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ 4x^4 = 5x^2 - 1 और x > 1/√2, तो इसका मान बताओ। देखो जब ये दिखा तो अपन फर्स्ट सबसे पहले वैल्यू क्या रखते हैं, अपन एक रखते हैं या जीरो रखते हैं, यदि मैंने एक रख दिया, देखो ये 4 हो गया = 5 - 1 = 4, तो आपका इतनी देर का इक्वेशन था ये, तो एक्स का मान एक है तो आप रखोगे यहाँ 2 - 1 - 1 = 0, या फिर किसी को ये कि मुझे सोल्व करना है तो ऐसे कर लो, -5x^2 + 1 = 0, अब प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, सम -5 होना चाहिए, यानी इसको तोड़ेंगे हम, माइनस आपका आ गया 4x^2 - x^2 + 1 = 0, तो 4x² कॉमन आ गया, यानी x² - 1
और यहाँ से आपका माइनस वन कॉमन आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन जीरो, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस वन, यहाँ पे देखो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर, यानी ये जीरो के बराबर है, तो एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस माइनस वन बटे टू, और यहाँ एक्स आ गया आपका प्लस माइनस वन। अब कह रहा है ये पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव वालों को छोड़ दो, और वन बाई रूट टू, यहाँ से एक्स वन बाई रूट टू आ जाएगा, यानी प्लस वन बाई रूट टू से बड़ा है, तो यानी ना ये हो सकती दोनों वैल्यू, ना ये हो सकती, तो आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू बचगी एक। नेक्स्ट है देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आपको ऊपर दे रखा है ए क्यूब, नीचे दे रखा है बी क्यूब, और नीचे दे रखा है ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा ए बी। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा ए बी, इससे ये कट जाएगा ए माइनस बी, 108 में से 92 गए, आप कहेंगे 16। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज आपकी ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, डी एक बिंदु है आपका भुजा बी सी पर, भाई डी एक बिंदु है, वो इस प्रकार है कि जो बी डी और डी सी है, यानी ये जो लंबाई है 3 है और ये जो लंबाई है वो 4 है। अब ई एक पॉइंट है, यानी ए डी को इन्होंने मिला दिया, इस पे ई एक बिंदु है, वो इस प्रकार है कि ए ई ई डी, यानी ई को थोड़ा ऊपर ले लें यहाँ पे, यानी ए ई और ई डी ये दोनों अनुपात 3 में है, भाई ये 2 है तो ये 3 है। अब आपको एरिया की रेशियो बतानी है किस किस की, ई सी डी, यानी ई को मैं सी से मिला दूंगा, तो आपका जो ये एरिया है, और ए ई बी, ए ई बी और आपका ये वाला एरिया, यानी इनकी रेशो बतानी है। देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यदि बात करूं भाई, ये आपका बेस है, इस पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई, एक ये एक ये एक ये एक ये, और क्या है सबकी हाइट आपकी सेम है, यानी देखो ये आपकी ट्रायंगल है, यहाँ में दो ट्रायंगल बनी हुई है और ये आपकी हाइट है, यानी हाइट सबकी सेम है, तो जो इसका रेशो एरिया होगा, एरिया होता है बेस, एक बटे दो गुना बेस गुना हाइट, तो वो एक बटा दो और हाइट आपकी कॉमन होगी सब में, तो जो एरिया की रेशो होगी वो डायरेक्ट आपकी बेस लेंथ पे डिपेंड करेगी। ऐसे ही इसमें देखो आप ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया, ये किस रेशो में होंगे, 3:4 में होंगे, भाई टोटल एरिया 7 है, तो ये 3 होगा सारा आपका ए बी सी का और ये 4 होगा। फिर ये देखो क्योंकि इसमें हाइट सेम है, अब इसकी बात करूं मैं इस ट्रायंगल की, इसमें देखो भाई आपकी एक बेस ये है एक बेस ये है, लेकिन दोनों की हाइट मैं कहूं कि पॉइंट आपका एक है तो हाइट सेम होगी, तो इसका एरिया 2:3 में टूटेगा, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो जो भी हमारा एरिया है वो मुझे 2:3 में तोड़ना है, यानी टोटल एरिया 5 होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, इनको मैं 5 से गुणा कर दूं, यानी ये एरिया इसका आपका जो ये भाग है ये 15 आ गया, ये आपका एरिया 20 आ गया। अब देखो यानी ये एरिया आपका टोटल 15 बच गया, ये एरिया आपका 20 हो गया। अब 15 को 2:3 में तोड़ूंगा तो आप क्या कैसे निकालोगे, देखो 15 है वो 2:3 में तोड़ना है, यानी ये एरिया आपका 15 आ गया इसका, और इसका एरिया आ गया 20, क्योंकि जो इसका एरिया का अनुपात है वो आपका बेस के अनुपात में होगा। अब ये तोड़ना 2:3 में, यानी 5 की वैल्यू 15 है तो आप कहेंगे 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रखा है, अब ये 20 है, ये भी हमें 2:3 में तोड़ना पड़ेगा, अब 20 को तोड़ेंगे तो 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू आपकी 12 आ गई और 2 की वैल्यू आ गई 8, बस अब आपका एरिया आ गया भाई 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, नहीं सॉरी 15 ये हो गया और 20 ये हो गया, देखो 15 ये है 20 ये टूट गया। अब आपको जो पूछा है वो निकाल लो, ई सी बी, ई सी बी आपका 12 है और ए ई बी वो 6 है, यानी 2:1। नेक्स्ट है ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है भाई पॉइंट ए बी आर ऑन सर्कल, यानी एक वृत्त है उस पर बिंदु ए और बी हैं, वो इस प्रकार से हैं, इसका सेंटर ओ है, कि पी ए एम और पी बी एन आपके टेंजेंट हैं, यानी यहां पॉइंट मान लो पी है। देखो ये सर्कल है ओ वृत्त है, तो आपके ए और बी पॉइंट इस प्रकार हैं, ये ए बी है, ये ए है ये बी है, कि बाह्य बिंदु पी से पी ए एम और पी बी एन ये आपके टेंजेंट हैं, तो टेंजेंट होते हैं आपकी स्पर्श रेखाएं, यानी पी ए एम और पी ए एम और पी बी एन आपकी दो स्पर्श रेखाएं हैं और पी आपका वृत्त के बाहर है। अब क्यों मेजर आर्क, देखो ये आपकी मेजर आर्क है, यानी इस पे एक बिंदु क्यू है। अब सच दैट क्यू ए एम, यानी क्यू ए एम, देखो ये वाला कोण, तो ये वाला कोण है ये 58 डिग्री है, क्यू बी एन यानी
ये वाला जो कोण है वो आपका 50 है, और आपसे पूछा गया है एपीबी, यानी ये एंगल आपको निकालना है। देखो यदि मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ, सेंटर से मिला दूँ, तो आप कहेंगे ये एंगल आपका कितना हो गया 90, ये आपका कितना हो गया 90। यानी मुझे यदि ये एंगल पता लग जाए तो मैं आपका निकाल सकता हूँ ये वाला एंगल। देखो इसको यदि मैंने यहाँ मिलाया, आपको पता होगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, तो उसमें मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया था। देखो ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, ये आपका एक टेंजेंट है, और यहाँ से यदि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ इस पे, तो जो ये एंगल है वो इसके बराबर होगा, और जो ये एंगल है वो इसके बराबर होगा। यानी टेंजेंट आपका किसी ट्रायंगल की साइड के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो वो एंगल जो आपकी सर्कल पे अपोजिट होगा, उसके जो एंगल होगा सर्कल पे उसके बराबर होगा। यानी यहाँ पे देखो भाई ये वाला एंगल, यानी मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, आपकी ट्रायंगल होगी, एक सेकंड मैं ट्रायंगल बताता हूँ कौन सी। देखो ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल है, और ये आपका टेंजेंट है, यानी जो ये वाला एंगल है वो आपका इसके बराबर होगा। और ऐसे ही इस ट्रायंगल में जो आपका ये वाली ट्रायंगल है, जो आपका ये एंगल है वो आपका इसके बराबर होगा 50। अब ये देखो कहाँ चला गया, ये देखो अब आपका ये ए क्यू बी और ये मान लो एन है, जे है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी आमने सामने का कोणों का जोड़, सॉरी ये एक साइक, हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 होता है। देखो ये 108 हो गया, तो आपका ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो गया आपका 72। 108 और 72 आपके कितने होते हैं 180। अब ये देखो भाई ये कोर्ड में ए बी ले लूं यहां से, इसने आपका यहाँ पे 72 बनाया है, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, इसका 2 गुना, यानी 144 डिग्री। अब मैं पहले इसमें आ जाता हूँ, देखो और ये आपकी क्या है, रेडियस है, जो टेंजेंट के साथ यानी त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ 90 का कोण बनाती है, यानी ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो 2 बज के उनका जोड़ 180 होना चाहिए, क्योंकि 2 का 180 हो गया, ये 144 आ गया, तो ये आपका 180 में से 144 घटाऊंगा, ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, या फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो मैंने बता रखा है जो इसका और इसका जोड़ होता है, यानी इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूंगा मैं, तो आपका ये आता है, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दोगे, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था उसमें आपका ये नहीं पूछ रखा था, आपसे सिर्फ ये वाला पूछ रखा था कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट 180 में से घटाना था। ये कह रहा है भाई 4 sin² 2x - 10 = 3 है, और थीटा 2x - 10 यानी 2x - 10 आपका 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, यानी यहाँ से 2x - 10 < 90 है, तो 2x < 80 हो जाएगा, और x < 40 हो जाएगा, यानी x आपका 40 से छोटा है। अब इसका मान निकालना है आपको, देखो भाई 4 है, 4 sin² 2x - 10 = 3 है, यहाँ से sin² 2x - 10 = 3/4 हो जाएगा, और रूट को मैं जब साइन निकालूंगा मैं, तो √3/2, और ये आपका होता है sin 60 पे। अब इसकी वैल्यू देखो 2x - 10 = 60 है, तो x कितना आ जाएगा, अब कहेंगे 35 आ गया, बस हो गया आपका आंसर, इसमें रख दो भाई। sin की 4 35 - 5 30, यानी sin 30 1/2 होता है, और इसकी 4 1/16 हो जाएगा, प्लस cos की 4 x, यानी cos की 4 ऑफ 30, क्योंकि 35 में से 5 गया 30 बच गया। अब cos √3/2 होता है, तो यानी 9/16/1 - 2 sin² 3x - 15। देखो sin² 3x - 15 यानी 105 में से आपका 15 गया 90, यानी sin² 90 हो गया, और sin² 90 कितना होता है, 1 होता है, गुणा ये cos² 90 है, आपको पता है cos 90 0 होता है, तो यानी इसका कोई मतलब नहीं है, सब 0 हो जाएगा। अब उसको जोड़ेंगे 10/16 बच गया, नीचे 1 बच गया, तो यानी 5/8, ये आपका आंसर है। ये कह रहा है भाई 5 इंडिपेंडेंटली, मतलब ईच वन ऑफ 5 मैन इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, यानी आपके जो 5 लोग हैं वो किसी काम पर लगे हुए हैं। अब यदि मैं बोलूं कि ये आपका एक एक बंदे को ले लूं, कि ये भी कितने दिन लेगा, 20, ये भी 20 दिन लेगा, ये भी 20, ये भी 20, कहने का मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी बराबर है। अब कह रहा है भाई काम एक बंदे ने स्टार्ट किया, स्टार्टेड बाई 1 पर्सन, अगले दिन एक और आ गया, फिर अगले दिन एक और आ गया,
पांचवें दिन है से आपके पांचों लोग लग गए, यानी देखो पहले दिन एक था, अगले दिन आपके दो हो गए, फिर तीन हो गए, फिर आपके चार हो गए, और पांचवें दिन पांच हो गए। अब से लेकर जब तक काम खत्म नहीं हो जाता आपके पांच बंदे रहे हैं। देखो भाई काम 20 दिन में खत्म होता है, एफिशिएंसी में कुछ भी मान लेता हूँ मैं, कह रहा हूँ काम ही आपका 20 है, और एक दिन में कितना करेंगे? देखो एक आदमी 20 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में आप कितना बोलोगे? एक करेगा, यानी एफिशिएंसी सबकी एक मान ली, यानी अक्षमता। देखो पहला बंदा एक दिन काम करेगा तो एक काम करेगा, अगला दिन दो करेंगे तो दो करेंगे, क्योंकि सबकी अक्षमता बराबर है और 20 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। अगले दिन तीन काम होगा, फिर अगले दिन चार काम होगा, और अगले दिन पांच काम होगा। ऐसे देखो कितना काम खत्म हो गया, एक दो तीन, तीन छह और चार दस और पांच 15, यानी 5 दिन में आपका 15 काम खत्म हो गया, और कुल काम हमने कितना माना था? आपका 20 था। और ये कह रहा है कि अब से पांचवें दिन से अब प्रत्येक दिन आपके पांच बंदे काम करेंगे, यानी अगले दिन भी पांच आएंगे, तो अगले दिन पांच आके आपका काम खत्म कर देंगे, यानी टोटल 5 दिन वो थे, एक दिन और लग जाएगा, यानी आपका आंसर है 6 दिन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, यानी आपको एक स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया बताना है, और जो उसके जो वर्टिसेस हैं यानी जो उसके कोने हैं वो एक वृत्त पे लाई कर रहे हैं, यानी एक वृत्त है इसके एक एक इसके अंदर आपका क्या है वर्ग है, यानी ये वाला वर्ग है, मान लो ए बी सी डी है। अब कह रहा है देखो ये इसका सेंटर है, अब रेडियस 5 है, देखो यदि मैं इसको मिला देता हूँ यानी ये आपका हो जाएगा टोटल 10, व्यास हो गया ये, और यही आपका वर्ग का क्या होगा? आप कहेंगे वर्ग का ये होगा डायगनल। अब आपका डायगनल 10 है तो साइड क्या होगी? 10/√2। अब एरिया बताना है तो एरिया होगा इसका स्क्वायर, यानी 10/√2, यानी 100/2, और आपका आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 7 cos²θ जमा 5 sin²θ -6 = 0 है, तो इसका मान बताना है। देखो यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 cos²θ +2 cos²θ +5, इसी पे आपका आपकी बार सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था इज इक्वल टू 6। देखो 5 sin²θ +cos²θ आप कहेंगे 1 हो गया, क्योंकि देखो 5 बच गया, sin²θ +cos²θ 1 होता है, तो उस साइड गया आपका 5 घट गया 6 बच गया, तो cos²θ 1/2 और cos θ आपका 1/√2। आपको पता है cos θ √2 कितने होता है? 45 डिग्री पे रख दो इसमें। cosecant 45 कितना होता है? √2। टेंजेंट 45 1, सीकेंट 45 √2, और ये -1, यानी इसका अंडर रूट है, तो मैं इसको रैशनलाइजेशन करूंगा √2 + 1 और √2 + 1। अब देखो यहाँ पे नीचे एक हो जाएगा और ऊपर इसका स्क्वेयर हो जाएगा, तो स्क्वेयर से कट के आपका बचेगा √2 + 1, यानी ये वाला आपका आंसर। देखो अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो बता देना। ये कह रहा है एक सर्कल है यानी आपका एक वृत्त है, उसमें एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यानी ये जीवा है जिसकी लंबाई आपकी 10 है, और वो 12 सेंटीमीटर दूर है, यानी ये आपका केंद्र है, इससे 12 सेंटीमीटर दूर है, और ये आपकी क्या है? देखो मैं केंद्र से यदि जीवा पे 90 डिग्री डालूंगा तो उसको दो बराबर भागों में तोड़ेगा, ये आपकी कितनी होगी? 5। अब यहां से यहां ये आपकी क्या होगी? त्रिज्या। और आपको ट्रिपलेट का पता है 5, 12 और 13 होते हैं, लेकिन आपसे पूछा है व्यास यानी डायमीटर पूछा है, तो 13 × 2 = 26। यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यास पूछा हमसे, क्योंकि एग्जाम में कई बार हम 13 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, पी और क्यू आपके मध्य बिंदु हैं एबी और एसी के, यानी मिड पॉइंट है ये पी है ये क्यू है, आर पी क्यू पे एक बिंदु है यानी इस पे एक आर है। देखो मिड पॉइंट आपका कोई ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट को मिलाएं तो ये वाली लाइन इसके एक तो पैरेलल होती है यानी समांतर होती है, और ये इसकी आधी होती है। अब कह रहा है आर है पी आर आर क्यू, यानी ये 3:5 में है, यानी टोटल 8 कह सकते हैं। क्यू आर 20 है, यानी 5 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 4 आ गई, और जो ये 8 है टोटल इसकी वैल्यू आ गई 32। आपसे पूछा है बीसी की लेंथ यानी इसकी लेंथ, आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ उससे आधी होगी, तो यानी इसकी इसकी लेंथ दोगुनी होगी, तो ये हो जाएगी 64, 32 × 64। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं भाई फाइंड द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के सच दैट द नंबर इतना इतना ही डिवाइड बाय 3, यानी एक संख्या दे रखी है आपको ये वाली, कह रहा है कि जो के है उसका मतलब स्क्वेयर बताना आपको, बड़े से बड़े वैल्यू और छोटे से छोटे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ताकि ये इक्वेशन आपकी जो दे रखा है ये मतलब नंबर ये आपका 3 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए,
तीन से आपको पता है प्रॉपर्टी विद्युत संख्या तीन से डिविजिबल कब होगी, जब उसके अंकों का योग तीन से विभाजित होगा। तो मैं यदि अंकों को जोड़ू, देखो नौ को तो वैसे इग्नोर किया करो क्योंकि नौ संख्या अंकों का योग आपका नौ है, 12 मतलब आपको पता नहीं डिवाइड हो रहा है, तो उसको इग्नोर करो। यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया। अब 8 और 2 10, यानी 9 छोड़ के 1 बच गया, यानी मैं कह सकता हूँ 1 + k बच गया आपका। अब देखो तीन से संख्या कब डिविजिबल होगी, जब इसके अंकों का जोड़ 3 हो या 3 का मल्टीपल हो आपका। यानी क्या करेगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। हाँ देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करो तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल आप लेके आने के लिए k का मान कितना हो सकता है, आप कहेंगे 2 हो सकता है। और मैक्सिमम की बात करें तो 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। यानी इसको मैं यदि 9 कर दूं, देखो k आपका एक डिजिट नंबर है, यानी k 12 नहीं हो सकता। आप ये नहीं बोल सकते भाई k की जगह 12 है क्योंकि एक एक डिजिट नंबर है, तो एक डिजिट में मैक्सिमम 9 होता है। तो देखो 9 और 1 मैं कर दूंगा आपको 10 हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह मैं यदि मैं 8 लूं तो 8 और 1 9 हो गया, और वो 3 से डिविजिबल भी है, यानी k का बड़ा मान 8 आ गया। अब कह रहा है स्क्वेयर बताना है, यानी 8 का स्क्वेयर जमा 2 का स्क्वेयर, तो ये 64 + 4 आपका आ गया 8। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई आपका मार्क प्राइस इतना है, एक दुकानदार इसको बेचता है अलाउिंग 18% डिस्काउंट, और उसको तब भी लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस बताओ। यानी ये आपका जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था वैसा ही है भाई, आपको अंकित मूल्य दे दिया और दे दिया कि 18% छूट पे बेचता है अंकित मूल्य पे, तब भी उसको 23% का लाभ होता है। यानी सीपी क्रय मूल्य रेशो अंकित मूल्य आपका क्या होता है, 100 - डिस्काउंट, यानी ये 82 आ गया, और ये होता है आपका 100% प्रॉफिट, यानी ये 123 हो गया। अब अंकित मूल्य 240 है, यानी 123 की वैल्यू 240 है तो 82 की बताओ। देखो 3 पे काटेंगे 41, 3 पे 80, और 41 × 82, 80 × 160। नेक्स्ट, यानी इस प्रॉपर्टी की आपको पता होगा, हर बार एक क्वेश्चन पूछा है, तो सीजीएल 2021 वाले हैं उनके लिए मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आपका कोई फ्रेंड एग्जाम दे के पहले आता है तो आप उससे एक बार टाइप पूछ लो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रही, मतलब हालांकि ये ऑफिशियली मतलब आपको अनऑफिशियली पूछना पड़ेगा, शेयर करना एसएससी ने अलाउ नहीं किया है, मना कर रखा है कि क्वेश्चन अगर आप शेयर नहीं करोगे। ठीक है रहे? एक आदमी मैन कैन रो एट डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ सर्टेन टाइम एंड कैन रो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन सेम टाइम। यानी समय आपका बराबर है, देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी होती है 4 गुना समय। अब समय सेम है तो जो डिस्टेंस और स्पीड है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। ये कह रहा है अब वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाता है, तो आपको इतना घंटा लगता है, तो कह रहा है स्पीड ऑफ करंट क्या है। देखो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया और 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, यानी डिस्टेंस की रेशो आपकी 8:6 है दूरी की, यानी इसको मैं काटूंगा तो 4:3 है। यदि मैं दूरी की इतनी है तो स्पीड की रेशो भी क्या होगी, आप कहेंगे स्पीड की रेशो भी इतनी रहेगी, क्योंकि जो दूरी देखो टाइम बराबर होता है तो दूरी की रेशो और चाल की रेशो आपकी बराबर होती है, यानी प्रोपोर्शन में होती है। देखो अब स्पीड आ गई ये 4 और ये 3, कब ये डाउन स्ट्रीम है और ये अपस्ट्रीम है, कहने का मतलब है भाई ये x+y है और ये x-y है, यानी जो भी अब इनकी स्पीड होगी वो इस प्रोपोर्शन में होगी। कहने का मतलब है भाई x+y / x-y = 4/3। आपको कंपोनेंट और डिविडेंड रूल का पता होगा कि नीचे वाली संख्या ऊपर जाके जुड़ जाती है, और नीचे मतलब ऊपर दोनों का एडिशन आता है, नीचे सब्ट्रैक्शन आता है, तो यानी यहाँ से डायरेक्ट x/y आ जाएगा, ये 7 और ये 1, यानी x आपकी क्या है स्थिर जल में नाव की चाल, और आपकी y है धारा की चाल, यानी स्पीड ऑफ करंट। अब आपको क्या दे रखा है, देखो एक्चुअल में ये 7 और 1 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यानी मैं मान लू ये 7 के है ये 1 के है। अब कह रहा है भाई एक बोट है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, यानी 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई। देखो एक्स जब जब कोई भी नाव आपकी अपस्ट्रीम जाएगी तो चाल घट जाती है, यानी ये हो गया 6 के प्लस 24 किलोमीटर ही आपकी डाउन स्ट्रीम गई, यानी 8 के, और ये कितना टाइम ले रही है आपकी 7/4, यानी 6 × 24, 8 × 24, यानी 7 की वैल्यू 7/4 आ गई, 7/k की वैल्यू, इससे ये बट गया आपका। यानी यहां से k का मान आ गया 4। अब आपसे पूछा है करंट, यानी 1 के इसका मान 4 आ गया, और ये पूछता तो ये 28 आ जाता। नेक्स्ट है, या फिर आपको यहाँ पे रेशो लिया है, आप यहाँ भी रेशो से कर सकते हो भाई 24/ ये और 24/ क्या बोलते हैं 6 + 24/8 = k को उस साइड ले जाऊंगा मैं, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आपकी इस साइड आ जाएगी, तो फिर 1 से आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई रेशो है प्रेजेंट एज और 6 साल आज के बाद, यानी दो बंदे हैं ए और बी, इनकी जो एज है आज की अनुपात ये है,
यानी आज उनकी आयु का अनुपात 7:8 है और 6 ईयर के बाद आपका अनुपात 8:9 हो जाएगा। और कह रहा है सी की प्रेजेंट एज, यानी जो सी की आज की एज है वो 10 साल ज्यादा है ए की आज की एज से, तो आपको सी की प्रेजेंट एज बतानी है। देखो मैं क्या इन क्वेश्चनों में कैसे करते हैं हम, भाई एज उसकी उतनी बढ़ रही है, उसकी भी उतनी बढ़ रही है, दो बंदे उनकी एज आपस में बढ़ रही है तो क्या सेम रहता है, भाई सेम रहता है उनका डिफरेंस, एज का डिफरेंस, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, और तो फिर यहाँ से यहाँ कितने साल में आया है, 1 में, यानी 1 की वैल्यू 6 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 42, 8 की क्या होगी 48, इसकी वैल्यू 48, इसकी वैल्यू 54। अब आपसे पूछा क्या है, भाई कह रहा है सी है जो वो 10 साल ज्यादा है ए की प्रेजेंट एज से, ए की प्रेजेंट एज 42 है, इसमें 10 जोड़ दूंगा तो आपका 52 आ जाएगा। यदि ये पूछता भाई बी की प्रेजेंट एज से इतना ज्यादा तो 48 में जोड़ देते। नेक्स्ट है ये कह रहा है जो एवरेज स्कोर है, द एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास ऑफ टेस्ट इज इतना, लिटरली 12 फाउंड दैट 2 places 25 वाज रीड एज 35 एंड एट 1 place 38 वाज रीड एज 32 एक्चुअली, यानी एवरेज आपका औसत 40 क्लास में बच्चे हैं उनका औसत 45 है, बाद में ये पता चला कि दो जगह पर 25 की जगह 35 पढ़ा गया, यानी आपको पढ़ना चाहिए था 25, आपने पढ़ लिया 35, ये कितनी जगह पे, दो जगह पे, यानी 25 25 की जगह 35 35 पढ़ लिया, और एक प्लेस पे 38 की जगह आपको 32 पढ़ा गया, यानी ये पढ़ना चाहिए था और ये पढ़ लिया है, तो कितना ज्यादा पढ़ा है 102 और 18 और एक 8, यानी एक्चुअल में आपका 88 चाहिए था लेकिन है कितना 102, कहने का मतलब है जब मैं इसको सुधार करूंगा तो कितने की कमी करूंगा, तो आप कहेंगे 14 की कमी करनी पड़ेगी, और जो ये 14 की कमी आई है इसकी वजह से एवरेज आपका घट जाएगा। कितना एवरेज घटेगा, देखो इस 14 को मैं जितने बंदे हैं सब में यदि डिवाइड कर दूं कि प्रत्येक, मुझे 14 14 क्योंकि ज्यादा है वहां पे तो मुझे 14 ही कमी करनी है, तो प्रत्येक में मैं जब डिवाइड करूंगा तो प्रत्येक में जितनी कमी आएगी वही आपकी औसत में कमी होती है। देखो इस 14 को मैं 40 लोगों में डिवाइड करूंगा तो आपका आ जाएगा ये 7/20, यानी 0. और 20 या 60 और आपका बच गया 10 और 20 पंजे 100, यानी 0.35, यानी 0.35 की मुझे कमी करनी पड़ेगी 45 में, तो इसमें 0.35 की कमी करेंगे तो आपका यह आ जाएगा 65 और यह आ जाएगा 40। नेक्स्ट है अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि 102 यहाँ है तो फिर मतलब 88 आया है, 102 आना चाहिए था, फिर मैं यहाँ पे बढ़ोतरी कर देता। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक आदमी ने उधार लिया है कुछ पैसा और वो एग्री हुआ है क्या कि मैं 4,000 पहले साल के अंत में दे दूंगा, 7,700 दूसरे साल के अंत में दे दूंगा, और जो रेट है वो आपका कंपाउंडेड है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है और 10% पर एनम आपका रेट है, तो आपको बताना है कितना पैसा उसने उधार लिया था। देखो जब भी मैं बात करूं भाई 10% होता है आपका 1/10, यानी ये देखो भाई 10% 1 होता है, भाई पहले साल क्या हुआ उसने 10 रुपए लिए थे, मान लो भाई पहले साल प्रिंसिपल 10 था, अब उसने क्या किया एक ब्याज के साथ 11 रुपए हो गया, यानी इसमें से आपका कुछ हिस्सा उसने दे दिया, 11 में से मान लो 6 दे दिया 7 दे दिया, अब आपका क्या हुआ है जो अमाउंट बच गया यानी वो यहाँ आ गया, अब फिर दूसरे साल आपका फिर रेट 10% है, यानी मान लो ये 10 है तो फिर आपका 10 से 11 होगा क्योंकि रेट आपका हर साल 10% है, अब 2 साल में हिसाब क्लियर हो गया, यानी देखो पहले साल में आपका 10 रुपया लिया था मान लो तो एक ब्याज हो गया तो टोटल 11 हो गया, 11 में से उसने कुछ पे किया, दूसरे साल भी जो बच गया मान लो वो 10 है तो फिर आपका 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, यानी यहाँ पे देखो भाई आपको आखिरी में इसने 7,700 पे किया है तो 11 की वैल्यू 7,700 है, 1 की वैल्यू 700 होगी और 10 की वैल्यू होगी 7,000, यानी उसके पास जब उसने पहले साल के अंत में पे किया है तो उसके पास 7,000 रुपये बच गए थे, ये क्यों बचे हैं क्योंकि पहले साल में वो पूरा पे नहीं कर पाया था, उसने 4,000 पे किया था 7,000 बच गए थे, यानी उसको पे कितना करना था, आप कहेंगे 11,000 उसको पे करना था, यानी पहले साल के अंत में उसको 11,000 पे करना था क्योंकि वो सारा ब्याज था उसका, तो यानी हम कह सकते हैं भाई 1 साल में 10 का आपका ब्याज जोड़ के 11 हुआ था तो 11 की वैल्यू 11,000 थी तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कह रहा है √2 10 और 10, देखो टी कर जाते हैं इनका जोड़ 90 हो तो, अब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा यानी साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर भी एक हो जाता है जब इनका जोड़ 90 हो तो √2 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहे हैं, अच्छा ये कह रहा है एक स्पोर्ट्स गुड शॉप है उसके पास टेनिस बॉल है 3 रंग की, लाल हरा और सफेद, अब कह रहा है द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 60% मोर देन नंबर ऑफ रेड बॉल, यानी जो आपकी सफेद बॉल है वो 60% ज्यादा है लाल गेंदों से, एंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज
12.5% लेस देन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, यानी जो आपकी हरी गेंद है वो 12.5% कम है किससे, सफेद गेंदों से। अब टोटल गेंद 120 है तो ग्रीन यानी हरे रंग की गेंद बताओ कितने। देखो यहाँ पे देखो भाई, व्हाइट बॉल किससे ज्यादा है, रेड से, और ग्रीन किससे कम है, व्हाइट से, यानी व्हाइट की कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो व्हाइट को बीच में लिख दो, यहाँ पे आप कर दो व्हाइट है, रेड है और ग्रीन है। देखो अब कह रहा है भाई, जो आपकी व्हाइट बॉल है वो 60% ज्यादा है रेड बॉल से। 60% आपका कितना होता है, 60%। आप कहेंगे 60% होता है 3/5, यानी ये 5 है तो ये हो गया 8। 60% होता है 3/5, 5 का 60% 3 है। यदि मैं कहूं कि कोई संख्या किसी से 60% ज्यादा है तो उनका रेशियो क्या होगा, 5:8। 60% कम है तो 5 का 60% 3 है, यानी 5 से 3 कम है वो 2 है। अब आगे कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज 12.5% लेस देन ऑफ व्हाइट बॉल। 12.5% होता है 1/8, यानी व्हाइट 8 है तो उससे एक कम 7 वो है, तो व्हाइट आपकी 8 है इससे एक कम 7, ये हो गया आपका आंसर। देखो 8, 7, 15 और 5, 20, यानी 20 की वैल्यू 120 है, 1 की वैल्यू 6 आ गई, और आपको बतानी किसकी है, हरी यानी ग्रीन की, तो 7 6 42। टीडीआई आ गया, टीडीआई क्या बोल रहा है, परसेंटेज तो नहीं पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा है। देखो जब मैं सीजीएल मेंस का मैंने आपको पेपर करवाया था तो पहले क्वेश्चन डीआई का था, मैंने बताया था परसेंटेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका। देखो क्या कह रहा है ये भाई, टोटल नंबर ऑफ एनरोल, यानी ये या आपके वो स्टूडेंट हैं जो आपके यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज वगैरह में इन्होंने एग्जामिनेशन में एनरोल हुए थे, और ये वाले हैं जो पास हो गए उनमें से। अगर आपको नहीं दिख रहा तो 20%, 30%, 12, 18, 20, या 18, 24, 18, 24 और 16। आप कह रहे हैं भाई पास परसेंटेज बतानी है क्यू से, यानी क्यू में कितने पास हुए हैं और बटे क्यू में टोटल कितने थे। देखो कैसे करते हैं, ये 24 ले लो और वो 30 हो गया गुना, इसमें टोटल कितने में से है, 4000 में से, इसमें टोटल कितने में से, 7500 में से, तो यानी कटने ही है, तो ये 40/75 आ गया, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना तो कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। देखो इससे ये कट गया 25 या 75, 25 चौके 100, और आपका 3 8 24, यानी 4 चौके 16, 16 8 यानी 32 चौका, 16 8 128, 128/3 बच गया। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करो, 3 चौके 12, आपका 8 बच गया, 3 2 6 20, 3 6 18, और फिर 3 6 18 चलता ही रहेगा, यानी 42.67, या फिर 42.7 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर। अब ये बाहर आ गया, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी ड्यूरिंग 14, 16, 18, यानी बी में 14, 16, 18, 14, 16 और 18, यानी ये रेड कलर वाले 14, 16, 18 में व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड इंस्टीट्यूट ए ड्यूरिंग द 5 ईयर, यानी ये रेड कलर वाले 3 और ब्लू कलर वाले मैं 5 तो साल के जोड़ दूंगा, उसका कितना प्रतिशत है, तो ये जोड़ ही करना है, या फिर आप इसका डिजिट सम का यूज भी कर सकते हो अगर ये अप्रोक्सीमेट ना दे दो। ये कह रहा है x² + 9y² + 4x² = 12x - a, x y z का मान बताना है, इसको इस साइड ले आओ, यह आ जाएगा 12x + 24y - 24z + 88 = 0। तो देखो ऐसी इक्वेशन जब भी आए तो x का मान होता है -1/2 कोफिशियंट ऑफ x। देखो कोफिशियंट ऑफ x क्या है, -12 भाई, कोफिशियंट ऑफ x² 1 है, यानी इसके x के आगे क्या लिखा है, y का जो मान होगा वो -1/2। अब y के आगे क्या लिखा है, 24, और वाई स्क्वेयर के आगे क्या लिखा है, 9, जो z होगा वो भी ऐसे ही, z के आगे क्या लिखा है, -24, और z स्क्वेयर के आगे 4। इसको सोल्व कर लो, देखो माइनस से माइनस कट गया, x 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 पे 12 और 3 चौके 12, 3 3 9, यानी y -4/3 आ गया। अब ये गया 8, ये जेड आपका 3 आ गया, रखो x कितना है 6 माइनस 3 ऑफ y कितना है, y है -4/3, और z कितना है आपका 3, तो यानी इससे ये कट जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 6 4 10 और 3 13। डिवाइडिंग, देखो एंटोनियम बताना है तो डिवाइड करना बांटना और कनेक्ट करना जोड़ना। नेक्स्ट है, द टीचर आस्क द स्टूडेंट फॉर फिल द फॉर्म, 4 है, 4 के बाद यानी प्रेपोजिशन है, हमेशा इसके बाद आपका जीरेंड आएगा, यानी वर्ब की आपकी जीरेंड नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ग्रम्बल, ग्रम्बल करना होता है आपका शायद शिकायत करना, कंप्लेंट करना, और ग्रोन भी आपका शिकायत करना या कंप्लेंट करना होता है, तो
इंग्लिश का आप कर लो, इंटेलिजेंट हो तो आज तक, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।